नमस्कार दोस्तों। तो टेक्निकल बीएलपी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल टेक्निकल बीएलपी चैनल 100+ सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है अभी तक। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से ही ये मेरा चैनल जो है टेक्निकल बीएलपी वो 100+ सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, 200, 500, 1K तक पहुँच पाऊँ। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज 100+ कर चुका है और सपोर्ट करते रहिए। तो आज मैं एक टेक वीडियोस देना चाहूँगा आप लोगों को, जो है Redmi Note 5 Pro, जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, जो मार्केट में हलचल मचा दिया कुछ दिनों के लिए। अभी भी ये मचा रखा है मार्केट में हलचल। तो और कल ही जो 15 मई को जो लॉन्च हुआ है ओप्पो रियलमी 1, उसके दो ये दो फ़ोन के बीच में स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन करेंगे आज हम लोग इस वीडियो के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कैसा है दो फ़ोन और कैसा स्पेसिफिकेशन है इस दो फ़ोन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं ओप्पो रियलमी का बॉडी। जो ओप्पो रियलमी का बॉडी है फाइबर ग्लास बॉडी, और आप लोग तो जानते ही हैं कि Redmi Note 5 Pro का है मेटालिक बॉडी, मेटल बॉडी के साथ वो मार्केट के अंदर आया है। ओप्पो Realme एक बहुत अच्छा लुक देता है मोबाइल का, जो हम लोग देखा है कल ही लॉन्च हुआ है वो फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन है। Redmi Note 5 Pro भी बहुत अच्छा है। तो और इस बार बात करते हैं डिस्प्ले का। Redmi Note 5 Pro पे है 5.9 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जो एक फुल HD डिस्प्ले है 1080p का। और ओप्पो Realme जो है उसका भी 1080p वाला डिस्प्ले है, वो भी एक IPS डिस्प्ले है फुल HD डिस्प्ले, और वो आता है 6 इंच का डिस्प्ले के साथ मार्केट के अंदर आया है। और अब बात करते हैं प्रोसेसर की। ओप्पो Realme में एक बहुत अच्छा प्रोसेसर यूज़ किया गया है जिसका नाम है MediaTek का P60, और Redmi Note 5 Pro में यूज़ किया गया है Snapdragon का 636 चिपसेट। ये भी चिपसेट बहुत अच्छा चिपसेट है, हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है Redmi Note 5 Pro में प्रो ने, इसलिए ये बहुत नाम कमाया है मार्केट के अंदर। Xiaomi का फ़ोन है ये। और Oppo Realme का जो प्रोसेसर है MediaTek का P60, वो कुछ दिन के आगे जो ओप्पो का F7 रिलीज़ हुआ था उसमें यूज़ किया गया था, वो भी बहुत अच्छा है एक प्रोसेसर है, जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से थोड़ा सा अच्छा है। Redmi Note 5 Pro का 636 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ उसका कंपेरिजन करें तो P60 MediaTek का P60 प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा है। तो प्रोसेसर के मामला में MediaTek का P60 यानी कि ओप्पो Realme 1 आगे चला गया Redmi Note 5 Pro से, तो Redmi Note 5 Pro का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं स्टोरेज और कैपेसिटी का। स्टोरेज मिलता है Redmi Note 5 Pro में मिलता है 4GB 64GB और 4GB RAM और 64GB स्टोरेज, और 6GB RAM 64GB स्टोरेज, दो वेरिएंट मिलता है हम लोगों को। और Oppo Realme जो कल ही लॉन्च हुआ है उसके जो स्टोरेज और रैम है वो है 3GB 32GB पहला वाला, जो मिलता है 8,990 रुपये। हम देखते रहिए वीडियो को, एंड में हम प्राइस के बारे में भी बोलेंगे। और जो 4GB 64GB मिलता है ओप्पो Realme 1 का, और 6GB 128GB, तो ये तीन वेरिएंट है इसका रैम और स्टोरेज का। तो अब बात करते हैं एंड्रॉयड कौन सा वर्सन के साथ ये फ़ोन मार्केट के अंदर आया है। ओप्पो Realme आया है 8.1 वर्सन एंड्रॉयड ओरियो के साथ, और Redmi Note 5 Pro आया था 7.1 नॉगट के साथ। तो उसमें भी 7.1 नॉगट जो है उसमें भी कुछ दिनों के अंदर ही Xiaomi शायद ये दे देगा, ऑडियो का अपडेट दे देगा, और इसमें तो आगे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ऑडियो ही मिलता है हम लोगों को। तो अब बात करते हैं कैमरा का। रियर कैमरा ओप्पो Realme 1 में मिलता है 13 MP का, और Redmi Note 5 Pro में मिलता है 12 MP प्लस 5 MP का। तो यहाँ पे रियर कैमरे के मामले में दोनों में ही पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिलता है हम लोगों को, पोर्ट्रेट शॉट मिल जाता है, तो कोई भी टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। Redmi Note 5 Pro में थोड़ा सा अच्छा मिलता है, शायद Oppo से हम लोग नहीं देखा है अभी तक कैसा परफॉर्मेंस किया, कंफर्म कंपेरिजन कैसा होगा, कैसा है ये दो फोन के बीच में कैमरा का कंपेरिजन कैसा है, तो आगे पता चलेगा कैसा है। और फ्रंट कैमरा है Redmi Note 5 Pro का है 20 MP का, और
20 मेगापिक्सल का और ओप्पो रियलमी 1 का है 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे भी कैमरा के मामले में रेडमी नोट 5 प्रो ओप्पो रियलमी से अच्छा है, हम ये बोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी में ओप्पो रियलमी थोड़ा सा पीछे है रेडमी नोट 5 प्रो से, क्योंकि रेडमी नोट 5 प्रो में मिलता है 4000 mAh का बैटरी, जो एक बहुत बड़ा लंबा बैटरी है, बहुत दिन शायद बहुत लंबे घंटों की बैकअप दे देता है वो बैटरी। और ओप्पो रियलमी 1 का जो है वो है 3410 mAh। तो ये भी अच्छा बैटरी दे दिया, लेकिन Redmi Note 5 Pro का बैटरी थोड़ा सा अच्छा बैकअप देता है। तो बैटरी के मामले में भी Redmi Note 5 Pro आगे चला गया ओप्पो रियलमी के साथ कंपेरिजन में थोड़ा सा आगे चला गया Redmi Note 5 Pro। तो अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर, क्या क्या सेंसर थे ये दो फोन के बीच फोन में। Redmi Note 5 Pro में सभी तरह के सेंसर मिल जाता है और ओप्पो रियलमी में भी सभी तरह के सेंसर मिल जाता है, लेकिन ओप्पो रियलमी में रियलमी 1 में एक सेंसर नहीं मिलता, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो सभी तरह के का स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं प्राइस का लास्ट में। तो 3GB 32GB जो ओप्पो रियलमी 1 का है उसका प्राइस रखा गया है 8990 रुपये, और 4GB 64GB जो है ओप्पो रियलमी का जो वेरियंट है उसका प्राइस रखा गया है 10990 रुपये, लगभग 11000 रुपये। और जो 6GB 128GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया है 13990 रुपये। तो प्राइस बहुत अच्छा रखा गया है, अच्छा सेगमेंट में प्राइस रखा गया है ये तीन वेरिएंट का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका प्राइस सेगमेंट देखकर। अब बात करते हैं Redmi Note 5 Pro का प्राइस सेगमेंट जो रखा गया है, प्राइस कितना रखा गया है उसके बारे में। तो Redmi Note 5 Pro का है दो वेरिएंट, उसमें Redmi Note 5 Pro के 4GB और 64GB जो वेरिएंट है उसमें उसका प्राइस रखा गया है 14999 रुपये। और जो 4GB 64GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया है 16999 रुपये। तो आप लोग शायद देख चुके हैं इसका इस वीडियो में स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। तो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी जान पाए ये फ़ोन दो फ़ोन के बीच में कंपैरिजन कौन सा फ़ोन लेना अच्छा होगा। तो मेरे ओपिनियन जो बताता है दोनों फ़ोन के बीच में कौन सा फ़ोन लेना अच्छा होगा, तो मैं बताता हूँ आपके पास 10000 रुपये है तो आप एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं तो ओप्पो रियलमी ले लीजिए, वो एक बहुत अच्छा फ़ोन है। और Redmi Note 5 Pro आपके पास 15000 रुपये है तो Redmi Note 5 Pro भी ले सकते हैं। तो दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसके दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा बहुत ही जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।